हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईयर 2023 फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो कैसा रहेगा 2023 का साल तुला राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। पहले बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023 का साल। तो पहले बात करते हैं कि इनके जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो कैसी है तुला राशि वालों के लिए 2023 के अंदर। फॉर लिब्रा तुला राशि, सैटर्न इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस इन इट्स ओन साइन। शनिदेव जो है वो पाँचवें घर में विराजमान है लिब्रा राशि वालों के लिए। जुपिटर इज प्लेस्ड इन सिक्स हाउस इन इट्स ओन साइन, देन मूव टू सेवन्थ हाउस फ्रॉम 22 अप्रैल 2023। जुपिटर जो गुरु हैं वो छठवें छठवें घर में इनके विराजमान है, सिक्स हाउस में विराजमान है, और उसके बाद सेवन्थ हाउस में चले जाएंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। राहु इज प्लेस्ड इन सेवन्थ हाउस, केतु इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस। राहु जो है वो सेवन्थ हाउस के अंदर हैं और केतु जो है वो इनके फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेस्ड हैं। मार्स यानी कि मंगल इज प्लेस्ड इन एट्थ हाउस टिल 12 मार्च 2023 एंड आफ्टरवर्ड इन नाइन्थ हाउस। जो मंगल हैं वो इनके आठवें घर में प्लेस हैं और 12 मार्च तक 2023 तक, उसके बाद जो है वो नवें घर में प्लेस हो जाएंगे। वीनस जो कि इनका लिब्रा का तुला राशि का जो लॉर्ड होता है उनकी बात करते हैं। वीनस इज इन फोर्थ हाउस टिल 22 जनवरी एंड देन मूव टू फिफ्थ हाउस टिल 15 फरवरी, देन मूव टू सिक्स हाउस टिल 12 मार्च, देन मूव टू सेवन्थ हाउस आफ्टरवर्ड्स। तो वीनस जो है वो इनके फोर्थ हाउस में प्लेस होंगे 22 जनवरी तक, उसके बाद पाँचवें घर में चले जाएंगे 15 फरवरी तक, उसके बाद सिक्स हाउस में चले जाएंगे 12 मार्च तक, और उसके बाद सेवन्थ हाउस में जाएंगे उसके बाद। ऐसे हर महीने जो है वो हर राशि वो चेंज करते रहेंगे। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य जो है सन इज प्लेस इन थर्ड हाउस टिल 14 मार्च, देन मूव टू फोर्थ हाउस टिल 13 फरवरी, देन मूव टू फिफ्थ हाउस टिल 14 मार्च एंड देन मूव टू सिक्स हाउस देर ऑनवर्ड्स। सूर्य जो है इनके थर्ड हाउस के अंदर प्लेस्ड हैं 14 जनवरी तक, उसके बाद जो है फोर्थ हाउस में चले जाएंगे 13 फरवरी तक, उसके फिफ्थ हाउस में जाएंगे 14 मार्च तक, और उसके बाद सिक्स हाउस में जाएंगे उसके बाद देर ऑनवर्ड्स, और उसके बाद जो है हर महीने वो अपनी राशि चेंज करते रहेंगे। तो ये तो मैंने बताया कि लिब्रा राशि वालों के लिए जो है प्लैनेट्स की पोजिशन क्या है। अब देखते हैं कि उनका जो है हेल्थ कैसी रहेगी 2023 के अंदर। हेल्थ विल रिमेन गुड ओवरऑल होल ईयर ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन सिक्स हाउस एंड देन मूव टू सेवन्थ हाउस बाई 22 अप्रैल एंड गिविंग इट्स आस्पेक्ट ऑन फर्स्ट हाउस ऑफ सेल्फ। हेल्थ जो है इनकी ओवरऑल अच्छी रहेगी पूरे साल, क्योंकि जुपिटर जो है इनके सिक्स हाउस के अंदर प्लेस्ड हैं और वो सेवन्थ हाउस में आ जाएंगे 22 अप्रैल 2023 को, और वहाँ से वो उनकी जो दृष्टि है वो पहले घर में जो कि सेल्फ का होता है वहाँ रहेगी। तो इसका मतलब इनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी 2023 के अंदर। देखते हैं इनका जो इनकम और बिजनेस का कैसा रहेगा 2023 के अंदर। इनकम दो सूरन जॉब में गेट प्रमोशन और गेट एनी न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी टिल 22 अप्रैल 2023। जो लोग भी जॉब के अंदर हैं उनको प्रमोशन मिल सकती है या फिर उनको कोई नई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 22 अप्रैल 2023 तक। फॉर बिजनेसमैन पीरियड इज़ क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड आफ्टर अप्रैल 2023। बिजनेसमैन के लिए जो है पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा 2023 के बाद। ओवरऑल दोनों के लिए, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस के अंदर है, दोनों के लिए पीरियड जो है वो ओवरऑल अच्छा पीरियड है। मे गेट गुड रिटर्न्स इफ़ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट स्पेशली आफ्टर अप्रैल 2023। अगर ये स्टॉक मार्केट के काम के अंदर है, मान लो स्टॉक ब्रोकर हैं या इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके लिए अप्रैल 2023 के बाद जो है पीरियड काफ़ी अच्छा है, उनको काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती हैं। गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स होल ईयर इन 2023। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है पूरा साल 2023 का बहुत अच्छा जाने वाला है। देखते हैं कि इनके रिलेशंस कैसे रहेंगे 2023 के अंदर। रिलेशन विद स्पाउस विल रिमेन गुड ड्यू टू एस्पेक्ट ऑफ राजयोग कारक सैटर्न प्लैनेट ऑन सेवन्थ हाउस एंड ऑल्सो प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर प्लैनेट इन सेवन्थ हाउस आफ्टर अप्रैल 2023। राजयोग कारक शनि जो है इनके तुला राशि वालों के लिए होता है, और वो फिफ्थ हाउस में बैठ के इनकी थर्ड दृष्टि जो है वो सेवन्थ हाउस से पड़ रही है, जो कि एक अच्छी दृष्टि है। और साथ में जुपिटर जो है गुरु हैं वो सेवन्थ हाउस के अंदर अप्रैल 2023 के बाद आ रहेंगे, तो इसकी वजह से जो है रिलेशन जो है स्पाउस से काफ़ी अच्छे रहेंगे इनके।
रिलेशन विद बॉस विल बी बेटर आफ्टर अप्रैल 2023 एंड ऑल्सो फॉर बिजनेस मैन रिलेशन विद पार्टनर विल ऑल्सो बी बेटर आफ्टर अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 के बाद चाहे अगर जॉब में है तो बॉस से रिलेशन अच्छे रहेंगे, अगर बिजनेस में है तो वो इनके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। तो देखते हैं ओवरऑल पीरियड 2023 में कैसा रहेगा। ओवरऑल इट विल बी अ गुड पीरियड एज फार एज इनकम इज कंसर्न फॉर बोथ हुआ इन जॉब एंड बिजनेस। तो दोनों के लिए चाहे जॉब या बिजनेस करते हैं उनके लिए ओवरऑल पीरियड अच्छा रहेगा। ओवरऑल हेल्थ विल रिमेन गुड होल ईयर, ओवरऑल हेल्थ जो है वो भी इनकी अच्छी रहने वाली है पूरे साल। रिलेशन विद स्पाउस विल बी बेटर दिस ईयर, रिलेशन जो है वो स्पाउस से अच्छे रहेंगे। फॉर बोथ हुआ इन जॉब और बिजनेस रिलेशन विल बी बेटर विद बॉस और पार्टनर्स रिस्पेक्टिवली। तो जो जॉब में उनके बिजनेस उनके जो है बॉस से रिलेशन अच्छे रहेंगे और जो बिजनेस में उनके पार्टनर से रिलेशन अच्छे रहेंगे, तो ओवरऑल पीरियड जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये तो हमने बात की तुला राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023 का। पहले तो देखते हैं कि प्लेसमेंट क्या है इनकी प्लैनेट्स की वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 के अंदर। फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सैटर्न इज प्लेस इन फोर्थ हाउस इन इट्स ओन साइन। तो शनि देव जो है वो उनके चौथे घर में विराजमान है, अपने ही साइन में मतलब अपने ही राशि में विराजमान है और यहाँ पर बैठ के जो है वो एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जिसको बोलते हैं सस योग बोलते हैं। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है शनि की यहाँ पर। जुपिटर इज प्लेस इन फिफ्थ हाउस इन इट्स ओन साइन देन मूव टू सिक्स हाउस फ्रॉम 22 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। तो जुपिटर जो गुरु हैं इनके पाँचवें घर में विराजमान है और फिर वो छठे घर में प्लेस हो जाएंगे 22 अप्रैल 2023 के बाद। राहु इज प्लेस इन सिक्स हाउस, केतु इज प्लेस इन 12th हाउस। राहु इनके छठे छठे घर में विराजमान है और केतु जो है इनके बारहवें घर में प्लेस्ड हैं। मार्स जो इनका स्कॉर्पियो वालों का जो है लॉर्ड होता है, लगन लॉर्ड होता है, वो जो है इज प्लेस इन 7th हाउस टिल 12th मार्च 2023। वो 7th हाउस में प्लेस्ड है 12 मार्च 2023 तक एंड आफ्टरवर्ड्स इन 8th हाउस। तो उसके बाद जो है वो 8वें घर में प्लेस हो जाएंगे। वीनस जो है इनके थर्ड हाउस के अंदर विराजमान है, वहाँ पर प्लेस्ड हैं टिल 22nd जनवरी, देन मूव टू 4th हाउस टिल 15 फरवरी, देन मूव टू 5th हाउस टिल 12th मार्च एंड देन मूव टू 6th हाउस ऑनवर्ड्स। तो शुक्र जो है इनके थर्ड हाउस के अंदर प्लेस्ड हैं 22 जनवरी तक, उसके बाद फिर 4th हाउस में चले जाएंगे 15 फरवरी तक, उसके बाद 5th हाउस में जाएंगे 12th मार्च तक, और उसके बाद 6th हाउस में जाएंगे उसके देन ऑनवर्ड्स। और हर महीने जो है वो अपनी राशि चेंज करते रहेंगे। मरकरी जो बुध हैं वो दैट इज इन 2nd हाउस टिल 7 फरवरी, देन मूव टू 3rd हाउस टिल 27 फरवरी, देन मूव टू 4th हाउस टिल 16 मार्च एंड देन मूव टू 5th हाउस देर ऑनवर्ड्स। तो बुध जो है इनके 2nd हाउस में प्लेस्ड हैं 7 फरवरी तक, उसके बाद फिर वो 3rd हाउस में जाएंगे 27 फरवरी तक, उसके बाद 4th हाउस में जाएंगे 16 मार्च तक, उसके बाद 5th हाउस में जाएंगे देर ऑनवर्ड्स। और हर महीने वो अपनी राशि चेंज करते रहेंगे। तो ये तो हमने बताया कि कैसे इनकी ग्रहों की जो है प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब देखते हैं कि इनकी जो हेल्थ है वो कैसे रहने वाली है 2023 के अंदर। हेल्थ विल रिमेन गुड होल ईयर ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन 5th हाउस एंड गिविंग इट आस्पेक्ट्स ऑन 1st हाउस ऑफ सेल्फ एंड देन मूव टू 6th हाउस। तो हेल्थ जो है कि ओवरऑल अच्छी रहने वाली है क्योंकि जुपिटर जो है गुरु वो पांचवें घर में विराजमान है और उनकी नवी दृष्टि जो है पहले घर में पड़ रही है सेल्फ के स्थान पे, और उसके बाद फिर वो 6th हाउस में चले जाएंगे। तो दोनों प्लेसमेंट जो है गुरु की काफ़ी अच्छी हैं और उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। डू सम योगा एंड मेडिटेशन टू रिमेन मोर फिट एंड फाइन फॉर होल ईयर। तो थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन अगर करते हैं ये तो ये और ज़्यादा अपने आप को फिट एंड फाइन बना सकते हैं पूरे साल के लिए। तो ये तो हो गया हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं इनकम और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा 2023। इनकम विल बी गुड फॉर बोथ हुआर इन जॉब एंड बिजनेस, दोनों के लिए चाहे जॉब में या बिजनेस में दोनों के लिए इनकम अच्छी रहेगी। बिजनेस मैन विल गेन गुड प्रॉफिट टिल 22nd अप्रैल 2023। बिजनेस मैन के लिए जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहने वाला है 22 अप्रैल 2023 तक। आफ्टर अप्रैल 2023 दोज हुआर इन जॉब मे इधर गेट प्रमोशन इन एग्जिस्टिंग जॉब और एनी न्यू गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो जॉब के अंदर है उनको अप्रैल 2023 के बाद जो है या तो वो जो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर प्रमोशन मिलेगी या फिर वो कई अच्छी इनको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जॉब के अंदर। तो दोनों के लिए जो है ये साल जो है बिजनेसमैन और जॉब वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। रिलेशंस कैसे रहेंगे, रिलेशन विद स्पाउस विल बी बेटर होल ईयर स्पेशली आफ्टर 12th मार्च 2023। योर स्पाउस वेल्थ में गेट
इंक्रीज आफ्टर अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। रिलेशन जो है स्पाउस से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, स्पेशली जो है 12 मार्च 2023 के बाद, और स्पाउस की जो है वेल्थ है वो इंक्रीज होगी अप्रैल 2023 के बाद। इफ़ इन जॉब ओवरऑल रिलेशन विद बॉस विल रिमेन गुड, एंड इफ इन बिजनेस रिलेशन विद बिजनेस पार्टनर विल ऑल्सो रिमेन बेटर, स्पेशली आफ्टर 12th मार्च 2023। तो जो ओवरऑल जो अगर जॉब में है तो बॉस से रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, अगर बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर से जो है रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, स्पेशली जो है आफ्टर 12th मार्च 2023। तो ओवरऑल पीरियड कैसा रहेगा? ओवरऑल इट विल बी अ गुड पीरियड एज फार एज इनकम इज कंसर्न फॉर बोथ हुअर इन जॉब एंड बिजनेस। तो दोनों के लिए जो है चाहे जॉब में या बिजनेस में ओवरऑल पीरियड इनका पूरा साल जो है अच्छा रहने वाला है। हेल्थ विल रिमेन गुड होल ईयर, हेल्थ भी जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली पूरे साल। गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स टिल अप्रैल 2023, तो स्टूडेंट्स के लिए जो है अप्रैल 2023 तक काफ़ी अच्छा टाइम है, वो अच्छा करेंगे पढ़ाई के अंदर, स्टडीज़ के अंदर अच्छा करेंगे। रिलेशन्स विद स्पाउस विल रिमेन बेटर, स्पाउस से रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। फॉरन ट्रिप इज़ ऑन कार्ड आफ्टर अप्रैल 2023, तो फॉरन ट्रिप के चांसेज हैं अप्रैल 2023 के बाद। तो ये तो है ओवरऑल 2023 कैसा रहेगा। तो ये हमने बताया तुला राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2023 फॉर बोथ लिब्रा एंड स्कॉर्पियो बॉर्न पीपल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।